तो मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, टेक्सचर पेंट में जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, बेस कलर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ ताकि हमारा एक बेस टेक्सचर मिले। और यहाँ पे हमारी अगली कड़ी देखते हैं, टेक्सचर मास्क। मैंने इन सभी टॉपिक्स पे खास वीडियोस बना के रखे हैं, आप चाहो तो मेरे चैनल पे ज़रूर जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्सचर मास्क में आता हूँ और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ ताकि एक नया टेक्सचर मास्क बने, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये एक्चुअली जाता है फ्रॉम एक्टिव टूल टू दिस टैब। और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक डाउनलोड करके रखा था, तो डेस्कटॉप पे जाता हूँ। और आप चाहो तो PSD फाइल भी डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इमेज फाइल ही लाओ। तो मैं PSD फाइल ला रहा हूँ और ये फाइल ऐसी फाइल है जिसमें जी जो है वो वाइट कलर में है और बाकी की दुनिया ब्लैक कलर में। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ओपन इमेज करता हूँ, जी मतलब सबकी जी, और यहाँ पे मतलब जी मतलब जी जिया जले जा जले, वो कहाँ जले वो मत पूछना। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ और खासकर टाइल से हटा के स्टेंसिल रखता हूँ ताकि जैसे ही मैं माउस को अपने 3D व्यूपोर्ट में लाऊँ ये दिखना चालू हो जाए। और इसे अगर हमें मॉडिफाई या रिलोकेट करना है तो हमें क्या करना होता है, ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करना होता है। तो ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करोगे तो आप मास्क को मूव कर सकते हो, ऑल्ट दबा के रखें, शिफ्ट दबाए रखें और राइट क्लिक करके ड्रैग करोगे और आपको क्या करना है, इमेज के बीच की तरफ जाना है और बीच से बाहर की तरफ जाना है। तो आप जो है उस मास्क की साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो, और अगर ऑल्ट दबा के कंट्रोल दबा के रखोगे तो मास्क को घुमा सकते हो। और यहाँ पे कंट्रोल जेड काम ही नहीं आता है, आपको रिसेट करना है तो रिसेट ही कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसे ले आते हैं, ऑल्ट राइट क्लिक करके दबा के लेके आ रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लेकर आता हूँ और यहाँ से कलर चेंज करता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा लुभावना दिखे, वो ज़िंदगी रंगीन होनी चाहिए मेरे दोस्त। और यहाँ पे जैसे मैं पेंट करता हूँ तो चाहे कहीं पे भी क्लिक करो, पेंट तो इसके अंदर ही होगा जहाँ पे वाइट रहेगा। तो इसका फ़ायदा हमें ऐसा मिलता है कि हम बेहतर तरीके से टेक्सचर पेंट कर पाएंगे। और इसका फ़ायदा कहाँ पे मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों ने गॉड ऑफ वॉर का नाम सुना होगा, तो उस गॉड ऑफ वॉर के गेम में हर लेज के ऊपर, मतलब जहाँ पे गॉड ऑफ वॉर को चढ़ना था तो वहाँ पे ना ऐसा पैटर्न लगाया जाता था कि प्लेयर को पता चले। तो ये जो पैटर्न है ना, ये एक पैटर्न बना लिया फोटोशॉप से, बस वहाँ पे जाके पेंट कर दिया। तो वहाँ पे ये बहुत काम में आता है क्योंकि ये काफ़ी जगह पे रिपीट होता है पूरे गेम के दौरान, और कई सारे डिफरेंट तरह के पैटर्न भी लगाया जा सकता है। तो वहाँ पे हमें बहुत मदद मिलता है टेक्सचर पेंट का। फोटोशॉप में मैंने एक्चुअली जो जी हमारे जिया जले जहाँ जले निकाला था उसे जो है विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप जहाँ पे मुझे पेंट करना है वो वाइट रखा, जहाँ पे मुझे पेंट नहीं करना है वो ब्लैक रखा, तो वैसे कुछ काम करता है। और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देके रखे हैं, व्यू प्लेन मत, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे ब्रश के साथ ही जी आ जाता, तो मेरे ब्रश के अंदर वो जी का लेयर छिपा हुआ है। टाइल जो है बाथरूम की टाइल की तरह काम करता है, एक के बाद एक डॉल्सी एंड गबाना, और रैंडम जो है रैंडम करते जाएगा, मतलब एक ही जगह पे अगर मैं क्लिक करते जाऊंगा तो जो पैटर्न है वो रैंडमली प्लेस होते जाएगा। साथ ही साथ प्रेशर मेकिंग ये कहाँ पे काम में आता है, जब आप पेन टैबलेट इस्तेमाल करते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम में आता है। जिनको नहीं पता उनके लिए, आप अगर गूगल पे जाके पेन टैबलेट टाइप करते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और ये भी आपको एक अलग लेवल पे लेके जाता है आर्टवर्क। तो मॉनिटर के साथ भी होते हैं और बिना मॉनिटर के भी होते हैं, तो ये हो गया उसके लिए प्रेशर मेकिंग। और एंगल जो है, आप इसके एंगल को रोटेट करना चाहते हो, जैसे मैं स्टेंसिल में आता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे शिफ्ट ऑल्ट राइट क्लिक ड्रैग ताकि इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकूँ, और इसका एंगल अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा तो उसका एंगल चेंज हो जाएगा। तो ये है। और ऑफसेट जो है, ऑफसेट का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आपके टेक्सचर को ना थोड़ा सा हटा सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे 1 लिखता हूँ
तो ये 1 की वैल्यू से जो है टेक्सचर को हटाता है। आउट ऑफ द बॉक्स मुझे इसका इस्तेमाल तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन अगर पता चलेगा और अगर आपको पता चल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हो सके तो मुझे पैट्रियम पेज से सपोर्ट करने की कोशिश करें, या फिर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम द्वारा। मैंने एक फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, वहाँ से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, या फिर वीडियोस पर जो भी एड्स आते हैं उन्हें पूरी तरह से देखने की कोशिश कीजिए बिना स्किप किए। और साथ ही साथ साइज़ है, आप इसकी साइज़ चेंज करना चाहते हो तो साइज़ चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1.3 रखता हूँ, ऑड साइज रखता हूँ, ताकि आपको पता चले कि वो जो टेक्सचर है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये थी कहानी टेक्सचर मास्क की। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करता हूँ अगले वीडियो में। Yeah.